हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3x3 रूबिक्स क्यूब को 50 सेकेंड में रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज मैं वही आपको बेसिक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक और बता दे रहे हैं, आप थ्री देख के पता लगा लेंगे 15 सेकेंड के अंदर हम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज यही आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, आपको पहले आप रूल समझ लीजिए। ठीक है, इसमें रूल क्या होता है? ठीक है, आप देखिए इसमें दो तरीका है। ठीक है, फर्स्ट तरीका देखिए, मतलब आपको बता रहे हैं दो तरीका है। ठीक है, आपको दो तरीका आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको दोनों तरीका सिखाऊंगा नहीं, आप लंबी वीडियो जाएगी। ठीक है, आपको मैं एक तरीका समझाएंगा, वो भी एकदम सिंपल तरीका। ठीक है, कि आपको सीखने में भी आसान हो। ठीक है, और आप मतलब आप सॉल्व करने में भी आसान हो। ठीक है, इतना थ्री जब आप सीख जाएंगे मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं वो वाला अथी भारी वाला रूल सिखा दूंगा, क्योंकि वो वाला जो रूल सिखाएंगे ठीक ना, उससे आप क्या करेंगे, आप 15 सेकंड के अंदर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, आज हम सिखाने वाले हैं कि रूबिक्स क्यूब को एकदम सिंपल तरीका से कैसे सीखें, सबसे आसान तरीका। ठीक है, ये दुनिया का सबसे आसान तरीका हम बताएंगे आपको रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे बेसिक ट्रिक समझिए, कौन सी इसे क्या कहते हैं रूबिक्स क्यूब में। ठीक है, आप जानते हैं रूबिक्स क्यूब है। ठीक है, फार्मूला में इसको क्या कहते हैं, फार्मूला साथ सीखिए, कोई फार्मूला पूछेगा आप बता सकते हैं, बताते हैं क्या है। इसे राइट हैंड कहते हैं। ठीक है, इसे राइट हैंड कहते हैं। ठीक है, और इसे लेफ्ट हैंड कहते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में आर कहते हैं, आर प्रैंक, इसको एल प्रैंक। ठीक है, और ये अप है, अप डाउन। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यू, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डी, ऐसे कहते हैं यू प्रैंक, नीचे वाला डी प्रैंक। ओके, अब एक और ये फ्रंट और ये बैक, बैक माने पीछे, इसे बी से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बी प्रैंक, या ये से कहते हैं आगे फ्रंट, इसे यफ से कहते हैं, इसे यफ प्रैंक। ठीक है, इतना समझ आ गया। और एक और चीज़ जानिए, ये कॉर्नर पीस है। ठीक है, इसे कॉर्नर पीस कहते हैं। देखिए ये कॉर्नर पीस है और ये कॉर्नर पीस है, चारों कॉर्नर पीस है ना, ये भी इसमें भी चारों कॉर्नर पीस है, इसमें भी चार, सभी में कॉर्नर पीस होते हैं जो कोन पे होता है। ठीक है, ये कॉर्नर पीस है सारी के सारी। ठीक है, कॉर्नर पीस। और ये बीच वाला जो दिखाई दे रहा है, बीच वाला ये वाला। ठीक है, ये बीच वाला एच पीस कहते हैं इसे। ठीक है, इसे कॉर्नर पीस, इसे एच पीस। ठीक है, समझिए, एच पी से या बी एच पी, चार एच पी से। ठीक है, इसमें भी चार एच पी, चार कॉर्नर पीस। ठीक है, और ये जो बीच वाला दिखाता है, ये बीच वाला, इसे कहते हैं सेंटर पीस। ठीक है, इसे कहते हैं सेंटर पीस। ठीक है, इसे समझ में आ गया ना, सेंटर पीस कहते हैं सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना समझ आ गया। तो सबसे दोस्तों, आपको प्लस आप रूबिक्स क्यूब में हाथ में ले लेना है। ठीक है, और हाथ में लेने के बाद रूबिक्स क्यूब को आप इस तरह नचाना है। ठीक है, रूबिक्स क्यूब को हाथ में लेने के बाद इसको नचाना है। ओके, इतना समझ आ गया। नचाने के बाद अब रूबिक्स क्यूब को आपको ये कलर चूजना है। ठीक है, मुझे कौन सा फर्स्ट कलर बनाना है। ओके, मुझे फर्स्ट कलर को एक कलर चूज लेते हैं। इसमें छः कलर होता है, छः कलर में आपको कोई एक कलर चूज लेना है। ठीक है, मुझे कोई एक कलर फर्स्ट कलर में बनाना, मतलब आपको शुरुआत में जो आप कलर फर्स्ट बनाएंगे, देखिए। और एक रूल और समझिए, ये फर्स्ट लेयर है और ये बीच वाला जो नचा रहे हैं, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। आप कहीं इस सब पकड़ेंगे तो ये ऊपर वाला थर्ड लेयर, इस सब पकड़ेंगे ये वाला थर्ड लेयर। ठीक है, आपको फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, तीन स्टेप में आप रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, मात्र तीन स्टेप में रूबिक्स क्यूब सॉल्व, एकदम आसान तरीका है कि नहीं दोस्तों, आसान तरीका है ना। चलिए इसे लास्ट में देखते हैं आसान है कि नहीं। ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, पहले आप सीखते हैं। चलिए सबसे पहले रूबिक्स क्यूब को कोई एक कलर चूज लिए होंगे। ठीक है, आप मुझे रेड कलर बनाना, आप भी रेड कलर बना चूज लीजिए, क्योंकि रेड कलर आप बनाएंगे तो मेरे जैसे बनाएंगे तो आपको तो समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा ना। चलिए रेड कलर पहले हम लोग रूबिक्स क्यूब में ले लेते हैं। ठीक है, रेड कलर ले लिए हैं। ठीक है, और रेड कलर लेने के बाद हम लोग रूबिक्स क्यूब को रेड को नीचे रखेंगे। ठीक है, रूबिक्स क्यूब में। ठीक है, रेड कलर को नीचे रखेंगे एकदम। ठीक है, डाउन में एकदम नीचे। ठीक है, सेंटर पीस के नीचे। ठीक है, सेंटर पीस को नीचे रख दिया रेड वाला, उसके एकदम सामने वाला, देखिए ये रेड है ना, इसके सामने वाला ये है ना, रेड को नीचे रखा, उसका सामने वाला ऊपर आ गया। ठीक है, अब एच पीस ये देखें, ये एच पीस है ना, एच पीस यहाँ पर चार प्लस जैसे बनता है ना, प्लस बनता है ना, इस तरह बनाना है एच पीस में। ठीक है, इस तरह प्लस बनाना एच पीस में। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे हम बता रहे हैं। ठीक है, पहले आप रूबिक्स क्यूब में आप रेड सेंटर पीस को नीचे रखें। ठीक है,
और रेड कलर यहाँ पर एच पी इस जगह पर लाएंगे पहले, तभी ना प्लस बनेगा, ठीक है। प्लस ही तब बनेगा। कॉर्नर पीस बना ना, इसको छोड़ दीजिए, कॉर्नर पीस को पहले बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कॉर्नर पीस क्या ले रहे हो, ठीक है। पहले देखिए, अब मेरा रूबिक्स क्यूब में एक आ गया है, यहाँ पर आ गया रेड कलर, ठीक है। और एक कलर यहाँ पर लाना है, ठीक है। और एक कलर यहाँ पर लाना है, एक कलर यहाँ पर लाना है, ठीक है। चारों जगह पर लाना है रेड कलर, एक आ गया, तीन और लाना है, ठीक है। अब देखते हैं सेंटर पीस एच पीस कहाँ पर है, ठीक है। देखते हैं एच पी सी यहाँ पर मेरा बीच वाला ना, और ये यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर लाना है। कैसे लाएंगे? अब ये बीच वाला इसको इधर करेंगे, ठीक है, ऊपर कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। आ गया यहाँ पर, दोनों आ गया कि नहीं? एक दफ़ा घुमा कर ला दिए ऊपर, ठीक है। अब इतना आसान है कि नहीं? आसान है ना। अब हम लोग को ये देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग को इधर करेंगे, अब ये दिखा रहा है एच पी सी, दिखा रहा ना, दिखे रेड यहाँ पर एच पी सी ना। अब हम लोग को यहाँ पर या यहाँ पर लाएंगे, इसको इसको इधर करेंगे, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको ऊपर करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं करेंगे, हम लोग को इस तक करेंगे, ठीक है। अब इसको ऊपर ला देंगे, आ गया कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया, आसान है ना? आसान है कि नहीं? आसान है। अब देखिए, अब हम लोग का यहाँ पर दिख रहा है, आपको भी दिख लेना, और ये हम लोग को यहाँ पर लाना है, ठीक है। एच पी इसको डायरेक्ट ऊपर कर देंगे तो आ जाएगा, नहीं ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है। देखिए ये अभी आ गया, ये अभी आ गया, ये अभी आ गया, ये अभी आ गया, चारों आ गया कि नहीं? अब हम लोग को बीच वाला सेंटर पीस चाहिए, वो कैसे लाएंगे? मतलब रेड कलर चाहिए, ठीक है, तभी ना हम लोग प्लस बनेगा, बनेगा ना। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उन्होंने रूबिक्स क्यूब को सेंटर पीस का लगे लाना है, यहाँ पर लाना है, ठीक है, यहाँ पर। वो कैसे लाएंगे? आपको इस सब मैच कराना, आपको डायरेक्ट देखिए, आपको इस तरह नहीं लाना, डायरेक्ट इस तरह लाइन नहीं लाना, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरह नहीं लाना, हम लोग को रूबिक्स क्यूब में मान लीजिए इस तरह, ठीक है। आप लोग को इस सब मैच कराना, ये सेंटर पीस में मैच कराना, ठीक है। ये चारों सेंटर पीस दिख रहा ना, वाइट ब्लू ग्रीन येल्लो ग्रीन, चारों सेंटर पीस है, ठीक है। इस चारों को मैच कराएंगे, चारों इसमें होगा, चारों, ठीक है। ये मैच कराएंगे तब जाकर नीचे, मैच करने के बाद दो दफा लगाकर नीचे कर देंगे, ठीक है। चलिए इस तरह लगाते हैं, इसे घुमा घुमा कर। आप रूबिक्स क्यूब पकड़िए और इस तरह घुमाइए, ऊपर वाला ग्रीन है ना, आप कहीं भी पकड़िए। वाइट मैच कराना पहले, ठीक है, वाइट इसे घुमाएंगे, ठीक है। वाइट मैच कर दिया, वाइट मैच कर देना, रेड ऊपर है, दो दफ़ा लगाकर एफ टू लगाकर नीचे कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए आगे हम रेड के रेड पास और वाइट भी मैच कर दिया, इस मैच कराना आपको, ठीक है। अब इधर पकड़ेंगे ब्लू के पास, अब ब्लू इस मैच कराएंगे, आपकी इधर ना चाहिए, इधर ना चाहिए, सब बात की हुआ, ठीक है। अब इस तरह हम इधर से घुमा देते हैं, ब्लू कलर मैच कर दिया, अब रेड ऊपर है तो दो दफ़ा लगा कर फिर से नीचे करेंगे, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पर आ गया, ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पर आ गया कि नहीं? आ गया ना। अब इस तरह हम लोग यहाँ पकड़ लेंगे, ठीक है, और येल्लो मैच किया, इसके सामने वाला किधर है? रेड ऊपर है, दो दफ़ा लगाकर नीचे कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग का यहाँ पर आ गया कि नहीं? आ गया ना। देखिए एक दफ़ा दो दफ़ा लगाकर नीचे कर दिया हम लोग, ठीक है। इस तरह हम लोग का प्लस बन गया कि नहीं? प्लस बन गया कि नहीं? एक और चाहिए हम लोग को, ठीक है। एक ग्रीन है, एक दफ़ा लगाकर इस तरह घुमाएंगे, ठीक है। ग्रीन मैच कर दिया, अब रेड को नीचे अथी कर देंगे नीचे, ठीक है, मतलब दो दफ़ा लगाकर, ठीक है। इस तरह देखिए प्लस बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं? प्लस बन गया ना, देखिए इससे प्लस बन गया। और प्लस के साथ साथ हम लोग को सेंटर पीस मैच करा दिए, मैच कराए ना, ठीक है। आप इस तरह मैच करा लीजिए, ओके। मैच कराने के बाद आप क्या करेंगे? हम लोग इस तरह मैच करा दिए, हम लोग रूबिक्स क्यूब को इस तरह पकड़ लेना है, ठीक है। अब पकड़ने के बाद हम लोग कॉर्नर पीस देखना है, ठीक है। अब कॉर्नर पीस बनाएंगे तभी हम लोग उससे फर्स्ट लेयर बनकर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नर पीस हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉर्नर पीस को क्या करेंगे, हम लोग रूबिक्स क्यूब को ऊपर देखेंगे इस तरह, जो ये घुमा रहे हैं ना ये थर्ड लेयर में, तो हम लोग को रेड कलर जो प्लस बना है उसको खोजना, कोई कॉर्नर पीस में प्लस रेड है कि नहीं, रेड इसमें है ना, तो ये तीनों कलर किधर है, मतलब ये तीनों कलर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लाएंगे बनेगा ना, ये तीनों कलर खोजना है, उसमें ग्रीन है और वाइट है और रेड है, तीनों कलर किधर है, मतलब सेंटर पीस में ब्लू वाइट रेड यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें ब्लू कलर नहीं है, तो इसको इधर घुमाएंगे एक दफ़ा, इसमें भी नहीं है, देखिए यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि येल्लो है, ब्लू है, इसमें येल्लो नहीं है, देखिए येल्लो नहीं है, फिर से इधर घुमाएंगे, इसमें भी येल्लो नहीं है, इस बार और घुमाएंगे, देखिए ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर सेंटर पीस में है, और वाइट वाइट सेंटर पीस में है, रेड रेड एच पीस में है, ठीक है। इस तरह हम लोग का यहाँ पर आ सकता है ना, यह आएगा यहाँ पर तो बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाएंगे, कैसे लाएंगे, इसके मान लीजिए सामने है देख रहा पर, तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे, यू आर यू, बस, ठीक है, बस आपको सिंपल दिख रहा है, ठीक है, बस वो ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं? आ गया ना। इस तरह हम लोग को अभी यहाँ पकड़ेंगे, अब रेड एक और देखते हैं किसी में, तीनों इतनी कलर कहाँ पर, यहीं पर है, ब्लू भी है, ठीक है, और वाइट वाइट भी है, रेड एच पी में है, ठीक है। अब तीनों कलर ये मैच कर रहा है,
ठीक है, अब तीनों कलर मैच कर रहा है तो यहाँ पर आ सकता है ना, ठीक है यहाँ पर आ सकता है। तो इस सामने आपसे यूज तक करेंगे आर यू, बस सिंपल सी तरीके यार, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया कि नहीं देखिए आ गया। अब हम लोग रूबिक्स क्यूब को इस तरह पकड़ेंगे, अब लोग ये घुमाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए सामने, अब यहीं पर येलो भी है और ब्लू भी है, ठीक है, रेड भी है। एच पी में उनको यहाँ पर आएगा, आपसे सामने इस तरह लगा देंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर आ गया। ठीक है, हम लोग और देखते हैं, और ऊपर में रेड नहीं दिख रहा है कहीं, हम लोग को यहाँ पर लाना है, रेड नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें कॉर्नर पे सारे बाप रे रेड नहीं है, कोई टेंशन है यार, हम लोग का रेड यहाँ पर छुपा है, इसके पास नहीं है, बना नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऊपर कैसे नहीं मिल नहीं रहा है, ऊपर साइड लाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट एक बार लगा कर इस तक कर देंगे। ठीक है, ऊपर साइड आ गया, यहाँ से हट कर ऊपर आ गया ना ऊपर साइड, और हम लोग घुमा कर इस तरह देखते हैं। ठीक है, अब इसमें रेड है, येलो ग्रीन रेड एस पी से, ठीक है, तीनों कलर यहाँ पर आएगा बन जाएगा। तो इसके लिए आपसे रेड सामने नहीं है, तो एक दफ़ा ऊपर करेंगे, दफ़ा इधर करेंगे, ये मैच कर दिया है, ये अभी मैच कर दिया, अब इसको डायरेक्ट एक दफ़ा लगा कर नीचे कर देंगे। इससे हम लोग को फर्स्ट लेयर बनकर सॉल्व हो गया ना, ये आसान तरीका है कि नहीं, आसान तरीका है ना। अब आता है हम लोग का थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर, ठीक है, अब सेकेंड लेयर बनाने के लिए सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये बनाना चाहिए, ठीक है, सेकेंड लेयर में, ओके, ये हम लोग का सेकेंड लेयर है, ठीक है, ये एच पी सेकेंड लेयर में बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, फिर से हम लोग रूबिक्स क्यूब इस तरफ पकड़े तो हम लोग रूबिक्स क्यूब इस तरफ पकड़ेंगे। ठीक है, पकड़ने के बाद हम लोग ऊपर को घुमाएंगे, ठीक है, हम लोग ये मैच कराएंगे, रेड ब्लू कलर, कोई मैच येलो मैच कराइए इस तरह, वाइट, आप कोई एक कलर चूज लियो, मुझे ब्लू बनाना है। ठीक है, ब्लू इस तरह मैच कराएंगे, मैच कर दिया ब्लू, इस तरह घुमा कर ब्लू मैच करा दिया। अब ब्लू मैच कराना है भाई, इसमें देखिएगा ऑरेंज तो नहीं है, जो ऊपर साइड में ऑरेंज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सेकेंड लेयर बनाने के लिए देखिए, सेकेंड लेयर बनाना है तो आपको तो ऊपर साइड में जो बना थर्ड लेयर में रहेगा उसको आप नहीं देखना, उसमें आप कलर एच पीस में नहीं देखना है। ठीक है, आपको बस ये वाला देखना है इसमें को। ठीक है, अब येलो ब्लू मैच कर दिया। ठीक है, अब इसके सामने वाला थी वाइट है। ठीक है, हाँ, वाइट कलर किधर है, वाइट इधर हम लोग का। ठीक है, वाइट इधर साइड है ना, तो हम लोग का यहाँ पर आएगा। ठीक है, हम लोग का यहाँ पर आएगा ना ये वाला, देखिए ब्लू और वाइट यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ जाए तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, वो कैसे लाएंगे देखिए, हम लोग का ये मैच कर रहे हैं, उसको एक दफ़ा इधर करेंगे। ठीक है, ऊपर साइड करेंगे, एक दफ़ा इधर कर देंगे, एक दफ़ा नीचे कर देंगे। ठीक है, और ये येलो मैच कर दिया और वाइट मैच कर दिया, ब्लू मैच कर दिया, रेड है ना, इसको एक दफ़ा इधर कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह पकड़ेंगे, अब रेड यहाँ इसको ऊपर कर देंगे, अब इसको इधर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आसान तरीका से आ गया कि नहीं, आ गया ना, अब हम लोग इस तरह घुमाएंगे। ठीक है, इस तरह फिर से घुमाएंगे, ये ब्लू मैच किया, वाइट अति येल्लो किधर है, येल्लो इधर है ना, येल्लो देखिए येल्लो इधर है, तो येल्लो इधर है तो किधर हम लोग को यहाँ पर लाना है। ठीक है, ब्लू और येल्लो मैच किया तो हम लोग इसको एक दफ़ा इधर करेंगे, एक दफ़ा ऊपर लगा कर इस तक करेंगे। ठीक है, और ये मैच कर दिया, येल्लो ब्लू और येल्लो मैच कर दिया, इसको इधर करेंगे, अब इसको यहाँ पकड़ेंगे, ऊपर करके यहाँ पर येल्लो रेड मैच करा के नीचे कर देंगे। ठीक है, इस तरह एल्गोरिथम लगाने के बाद इस हम लोग को मैच कर दिया ना, उस तरह मैच कराने के बाद हम लोग रूबिक्स क्यूब को और देखते हैं, ये मैच कराते हैं, ग्रीन नहीं मैच, अब इधर मैच कराते हैं, वाइट मैच कर दिया ना, ग्रीन कलर किधर है, इसके सामने वाला ग्रीन कलर है ना, वाइट मैच कर दिया, ग्रीन कलर इधर है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे ठीक है, ऊपर ला दिया, ये मैच कर दिया, वाइट मैच मैच कर दिया। ठीक है, और हम लोग का ग्रीन भी मैच कर दिया। ठीक है, देखिए वाइट भी मैच कर दिया, ठीक है, और ग्रीन भी मैच कर दिया, हम लोग को रेड है, रेड को इधर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को रेड मैच कर दिया, इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद एक दफ़ा इधर घुमाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा घुमाने के बाद एक दफ़ा नीचे कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग को देखिए यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग को बचा एक, अब हम लोग को ऊपर साइड में देखना मैच कराना, येल्लो और ग्रीन मैच कराना, पहले देखते हैं येल्लो मैच कराते हैं। ठीक है, येल्लो मैच करो मैच नहीं कर रहा, चारों एच पी में येल्लो नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इधर घूमेंगे, अब इधर मैच कराएंगे, येल्लो मैच कर, ग्रीन मैच करें, ग्रीन मैच कर रहा है, लेकिन इसमें ऑरेंज है, अब क्या टेंशन है, ऑरेंज हम लोग नहीं चाहिए,
और देखते हैं ग्रीन नहीं मैच कर रहा। अब कहाँ पर हम लोग का छुपा हुआ, यहीं पर छुपा हुआ, देखिए नहीं जान रहे थे। आपका भी छुपा हुआ है, कहा दूंगो कंडीशन में, लेकिन आपका छुपा नहीं होगा, ठीक है। जो फॉर्मूला लगाए हुआ आप लगाकर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और मेरा आपका छुपा होगा एक और ये कंडीशन है, ये कंडीशन बता रहे हैं, मान लीजिए मेरा यह कंडीशन छुपा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बाहर इसको निकाल लेंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग कॉर्नर पीस को बाहर निकालने थे ना, उसी तरह हम लोग इसको भी बाहर निकाल लेना। अब कैसे निकालेंगे, आपको एक दफ़ा इसे घुमाएंगे, एल्गुतम लगाकर इसे ऊपर कर देंगे। जो एल्गुतम लगाए वही वाला एल्गुतम लगाएगा, ठीक है। यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आसान तरीका है कि नहीं, आसान तरीका है ना। यहाँ से बाहर निकल गया, अब बाहर निकलने के बाद हम लोग रूबीस क्यूब को ऊपर फिर से मैच कराएंगे, ठीक है। एलो मैच कर दिया, अब ग्रीन कलर किधर है भाई, ग्रीन कलर हम जानते हैं इधर है, तो इसके लिए हम लोग इधर है, तो हम लोग को यहाँ पर लाना है। यहाँ पर लाने के लिए हम लोग रूबीस क्यूब में देखते हैं सूत्र जो लगाएं, इसको इधर करिए ऊपर करिए, दो बार इधर ला दिए, ठीक है। अब एलो मैच कर दिया, ग्रीन मैच कर दिया, रेड रेड है, अब रेड को इधर करेंगे, एक दफ़ा ऊपर लगा देंगे, ठीक है। बन गया कि नहीं यार दोस्तों, रूबीस पहले बताइए रूबीस क्यूब सॉल्व हो गया कि नहीं, सेकेंड लेयर तक आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ आप दोस्तों कमेंट में बता दीजिए, बस इतना आपको आप लोग को चाहिए, ठीक है। बस कमेंट बता दिए, ठीक है। अब हम लोग को आता है ऊपर में प्लस बनाने का, सेकेंड लेयर तक सॉल्व हो गया, आपको कोई कंडीशन नहीं, आपको कोई न कोई मतलब कोई थी भारी तो नहीं लगा ना आपको, ठीक है। चलिए अब आता है हम लोग थर्ड लेयर में प्लस बनाने का, ठीक है। थर्ड लेयर में प्लस कैसे बनाएंगे हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए थर्ड लेयर मतलब प्लस हम लोग कैसे बनाए, जिस तरह हम लोग नीचे बनाए थे ना प्लस, इस तरह रेड प्लस बनाए थे, उसी तरह ऊपर बनाएंगे प्लस। कैसे बनाए, इसमें तीन कंडीशन। पहला कंडीशन कि आपका इस तरह बना होगा, पहले कॉर्नर पीस में दिखेगा, पहले पहले देखिए प्लस बनाने के लिए आपको कॉर्नर पीस छोड़ देना, बन कॉर्नर पीस बना रहेगा तभी उसको छोड़ दीजिए, बस हम लोग को एच पीस में देखना है, ठीक है। एच पीस प्लस बनाना है ना हम लोग को, बताए पहले ही आपको एच पीस में तीन कंडीशन। पहला कि आपका इस तरह बना होगा, ठीक है, खड़ा बना होगा, जिस तरह खड़ा बना है ना, इस तरह यहाँ पर खड़ा बना होगा, ठीक है, ये नहीं बना होगा, ठीक है, इस तरह यहाँ भी बना होगा, ठीक है, जिस तरह खड़ा बना होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि आपका इस तरह बना होगा, ठीक है, मेरे जैसे, ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि आपका खाली सेंटर पीस रहेगा और एच पीस आपका एक भी नहीं बना होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन अब बारीकी से सब कंडीशन सीखेंगे, ठीक है। अब पहले आप देखिए इसमें दो तरीका है, पहला जो कलर होगा, ठीक है, ये कौन सा कलर है, ठीक है, एल ऑरेंज, यहाँ एक सामने रहेगा एक पीछे इतनी रहेगा, मतलब राइट में रहेगा, ठीक है। एल्गुतम ये लगाएंगे ये कंडीशन पर, ये वाला, ठीक है, आर यू बस लगाएंगे, ठीक है, आर यू मात्र प्लस बन गए, कॉर्नर पीस मत दिखेगा, ठीक है। हम कहें ना बस एच पीस ध्यान से देखिए, एच पीस बना कि नहीं सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक और कंडीशन बताते हैं, ठीक है, एक और कंडीशन आप पूछे, ठीक है, कंडीशन हम खाली बता रहे हैं। देखिए दूसरा कंडीशन ये होगा, ठीक है, हम कहें ना बस आपका बीच वाला बना होगा, ये नहीं बना होगा, ठीक है, एच पूरा, ठीक है, और ये एच पीस दो नहीं बना होगा, ठीक है। अब इसके लिए एक सामने रहेगा, ठीक है, ये सामने रहेगा ऑरेंज और एक बैक करेगा, मतलब पीछे रहेगा, ठीक है। अब एल्गुतम ये लगाएंगे, ठीक है, मतलब एक सामने रहेगा एक बैक रहेगा और रिश्ता बना रहेगा, आपको रिश्ता नहीं पकड़ना, ठीक है, आपको रिश्ता पकड़ना होगा, ठीक है। अब एल्गुतम ये लगाएंगे, ठीक है, एल्गुतम लगा दिए दोस्तों, लगाने के बाद हम लोग का प्लस बन गया, ठीक है, प्लस बन गया। अब तीसरा कंडीशन आप इससे लगाएंगे तो जो ये एल्गुतम लगाएंगे तो आपका हिस्सा बनेगा या हिस्सा बनेगा, तो ये एल्गुतम ये लगाकर दोबारा बना सकते हैं प्लस, ठीक है। अब चलिए आता है हम लोग का ये मैच कराने का, ठीक है। इसमें हम लोग मैच करा देते थे पहले ही, लेकिन इसमें नहीं मैच करा पा रहे हैं क्योंकि इसमें तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपका लगातार ये मैच किया व्हाइट ना, इसी तरह आपका यह भी मैच किया होगा, मतलब यहाँ भी मैच करेगा यहाँ मैच करेगा, दूसरा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है आप यहाँ आपका यहाँ मैच करेगा, सामने जैसे मेरा देखिए और एक पीछे मैच किया है, ठीक है, और वाइट ये नहीं मैच किया, यह भी नहीं मैच किया, एक आगे मैच किया, एक यहाँ पर मैच किया, एक यहाँ पीछे मैच किया, दो मैच किया ना, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि आपका कभी नहीं मैच किया होगा, इसे घुमा घुमा के देखिएगा, और हम लोग घुमा घुमा के देखते हैं। देखिए एक यहाँ मैच करिए तो एक पीछे मैच किया, तो कंडीशन ये है कि आपका ये एल्गुतम लगाएंगे जो लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला बस इसे सिंपल लगा देंगे, आपका कोई दो मैच कर देगा, ये एल्गुतम बार बार लगाना तब तक पूरा मैच नहीं करेगा, ठीक है, बार बार एल्गुतम लगाते हैं। आपका देखिए मेरा एल्गुदम लगाने के बाद ये हमने मैच कर दिया, ठीक है, दो मैच किया, ग्रीन मैच किया और येल्लो मैच किया, और ये वाइट और ब्लू नहीं मैच किया, ठीक है, दो कलर मैच किया। आपका दो कलर मैच करने के बाद दो मैच किया तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है, अभी एल्गुदम लगाएं, दो नहीं मैच किए इसको ये एल्गुदम लगाएंगे, ठीक है, इससे आपका कोई पूरा मैच करेगा, ठीक है। ये आपके देखिए मेरा मान लीजिए दो मैच किया, ठीक है, आपका दो मैच कर दिए इसको राइट में रखिएगा, लेफ्ट में रखिएगा, ये दोनों ही मैच के इसको लेफ्ट में रखिएगा, ये एल्गुदम लगाना है, ठीक है, इससे आपका सब मैच कर देगा, ठीक है।
सब मैच कर देगा। अब हम लोग को एल्गोरिथम ये लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को मैच करने के बाद हम लोग कॉर्नर पीस देखते हैं, ठीक है। कॉर्नर पीस कैसे देखेंगे, ठीक है। चलिए इतना रारा दीजिए, पहले आप बाद में देख सीखेंगे, ठीक है। चलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ तक तब तक सीखिए, प्लस बनाने का कल सीखेंगे। ओके।